हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोगता अकेडमी। माय नेम इज़ भानु गुलेरिया एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो वी आर कंटिन्यूइंग अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज। दिस इज द पार्ट 14 ऑफ द सीरीज। ऑन योर पार्ट यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड डू कमेंट द आंसर एंड स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके चेयरमैन कौन अपॉइंट करे हैं? क्या इंजेती श्रीनिवास है, एम दियोस्थल है, संजीव कुमार है या राजेश्वर राव है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। संजीव कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है, उदय आपको याद रखना है। उदय शंकर जो किसके हैं, जो फिक्की है हमारी, उसके अपॉइंट करे हैं इनको चेयरमैन को। उदय शंकर आपने याद रखना है। एक निरंजन है, एसोचैम निरंजन जी हैं, वो है आपके एसो चैम, जो बिजनेस का एसोसिएटेड चैम्बर है, बिजनेस का ग्रुप है, उसके आपके निरंजन है और उदय है आपके फिक्की के। संजीव कुमार है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये संजीव कुमार है, ये आईएएस कैडर है, आईएएस कैडर थे संजीव कुमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट विच इज़ टू बी प्लेस्ड इन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जो कौन सी आपको इंडिया की सैटेलाइट बतानी है, कैसी सैटेलाइट है? यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में अभी प्लेस करेंगे, रिसेट 11 या जी सेट 1, जी सेट 7 या इन सेट 11। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो जी सेट 1 है इन्हें हम ही इस सैटेलाइट को हम जियो सिंक्रोनस जो ट्रांसफर ऑर्बिट है उसमें हम ये अभी भेजेंगे। और इसका जो लॉन्च व्हीकल है वो है आपका जी एस एल वी F10। लॉन्च व्हीकल भी आपने GSLV जो F10 है वे इसका लॉन्च व्हीकल है। और जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, कैसी इमेजिंग है? जियो इमेजिंग सैटेलाइट है GSLV F10, इसका लॉन्च व्हीकल है। और GSAT-1 ये आपकी सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पेराउजे इज़ द डिफेंस एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड बाई विच कंट्री। जो ला पेराउजे है ये किस कंट्री द्वारा डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है? इटली के द्वारा, इसराइल के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, यूएई के द्वारा? तो बे ऑफ बंगाल में फ्रांस के द्वारा, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है जो बे ऑफ बंगाल, उसमें फ्रांस के द्वारा ये एक्साइज ले पेराउजे कंडक्ट की जा रही है। और इसमें साथ में कौन है? जो क्वैड कंट्री है हमारी, इसके साथ ये कंडक्ट की जा रही है। अब सवाल आता है कि क्वैड में कौन कौन है? तो आपकी USA है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और आपकी इंडिया है। एक्साइज से हर बार एक क्वेश्चन आता है। और फ्रांस के साथ एक और एक्साइज है, कौन सी है? डेजर्ट नाइट जो एक्साइज है वो भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो क्वैड है ये बहुत ज़रूरी है आपका मेंस के परस्पेक्टिव से भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में या अलाइड में भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ क्वैड, 4 नंबर के क्वेश्चन था ये कि क्वैड के बारे में लिखिए। तो इसके बारे में भी आप ये लिख सकते हैं कि ये कंट्रियाँ हैं और चाइना के वो काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ये ग्रुपिंग है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अमंग इंडियन यूनिवर्सिटी इन द अकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अब रैंकिंग अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है वो रैंकिंग निकालते हैं, ये रैंकिंग पूछी है आपकी अकेडमिक रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020। तो कौन सी है? अन्ना यूनिवर्सिटी है या ऑप्शन बी JNU है, ऑप्शन सी JNTU है या ऑप्शन डी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है? तो ऑप्शन डी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है
वो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉप करी है. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू लॉन्च अ हैंडबुक फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए किस इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन हैंडबुक जो है लॉन्च करी है. ऑप्शन ए है सेबी है, ऑप्शन बी है आरबीआई है, ऑप्शन सी है नीति आयोग है, या ऑप्शन डी IRDAI है. तो ये है आपका नीति आयोग. आप सभी जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग ने जो एक कोऑपरेटिव और कंपिटिटिव फेडरलिज्म नीति आयोग की बात जहां भी होगी तो ये दो कीवर्ड आप लिख सकते हैं, कोऑपरेटिव एंड ये ब्लैक बोर्ड नहीं चल रहा, कोऑपरेटिव एंड जो कंपिटिटिव फेडरलिज्म है इसको बूस्ट करने के लिए नीति आयोग का रोल रहता है. तो ऑनलाइन जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसके समाधान के लिए ये हैंडबुक किसने लॉन्च करी है, तो नीति आयोग ने. और ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है या ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये अगर आपने किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन देना है तो भी आप मेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है उसका अगर आपने सॉल्यूशन देना है तो ये कीवर्ड हमेशा रहता है कि ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म गुड गवर्नेंस का पार्ट रहता है. जो GS2 है गुड गवर्नेंस में, ये एक गुड गवर्नेंस का एक की फीचर है. जो ग्रेवियंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है वो हमेशा जो इंस्टीट्यूट है उसमें होना चाहिए. तो नीति आयोग ने इसी को फॉलो करते हुए डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए ये हैंडबुक लॉन्च करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोरा अल मेट्राउजी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बाय विच कंट्री. किस कंट्री की ये जो महिला है ये पहली एस्ट्रोनॉट है, USA की है, इंडिया की है, UAE की है, या ईरान की है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं वो स्पेस में बहुत स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ समय से बहुत न्यूज़ में रह रहा है. तो ये जो नोरा है ये भी तो इस कंट्री UAE की फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है. और UAE और भी न्यूज़ में था, वो फर्स्ट अरब कंट्री बनी थी जिसने मार्स पे मिशन भेजा था. तो आपने उस मिशन का कमेंट सेक्शन में नीचे नाम बताना है. मैं प्रीवियस वीडियो में इसको करा चुका हूँ, तो उस मिशन का आपने नाम बताना है. विच इंस्टीट्यूट रैंक टॉप ओवरऑल कैटेगरी इन द 5th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF. वो अकेडमिक रैंकिंग थी, अब ये क्या है NIRF के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग के द्वारा किसने रिलीज करी है, HRD मिनिस्ट्री ने. जो हमारी HRD मिनिस्ट्री है उसका नाम जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बदल के कर दिया है, उसने रैंकिंग निकाली है. उसमें किस इंस्टीट्यूट ने ओवरऑल कैटेगरी में टॉप करा है, क्या वो बेंगलुरु है या IIT दिल्ली है, IIT कलकत्ता है या IIT मद्रास है. तो ओवरऑल कैटेगरी में जो IIT आपका मद्रास है उसने टॉप करा है. रैंकिंग आपने याद रखनी है NIRF की जो रैंकिंग है इसमें इन्होंने टॉप करा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल टॉप्स द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स. ये हिमाचल के थोड़ा करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि किसने ये टॉप करा है गुड गवर्नेंस, किस डिस्ट्रिक्ट ने. ऑप्शन ए है हमीरपुर ने, ऑप्शन बी है मंडी ने, ऑप्शन सी है बिलासपुर ने, ऑप्शन डी है शिमला में. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और इसमें अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पे थोड़ा सा आपने नज़र मारी है तो इसमें था, आपने ये बताना है मेरे को कि जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसको कितना अवार्ड रखा गया है, कितना अवार्ड रखा है, अमाउंट कितना है जो गुड गवर्नेंस में टॉप करेंगे कितना अवार्ड रखा गया है. ऑप्शन में देता हूँ आपको, 75 लैक्स है, 50 लैक्स है या 25 लैक्स है. तो इसने आपने बताना है. हार्वे जे अल्टर एंड मिशेल हॉक्सटन एंड चार्ल्स एम राइस वॉन द नोबल प्राइज 2020 इन विच फील्ड. आपको पता है कि हर बार नोबल जो प्राइस है उससे एक क्वेश्चन डेफिनेट रहता है आपका, चाहे अलाइड हो या HS हो या NT हो हिमाचल के एग्जाम में. तो आपने नोबल प्राइस का बताना है कि ये किस फील्ड में मिला है इन तीनों को, फिजिक्स में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है, मेडिसिन में मिला है या लिटरेचर में मिला है. तो ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर जो मेडिसिन में है वो अवार्ड मिला है, और फिजियोलॉजी भी बोलते हैं इसे। अब मैंने आपको पहले कराया था फिजिक्स, तो फिजिक्स में एक ट्रिक जैसी बताई थी मैंने कि पोस्ट ग्रेजुएट, मैं फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने इस तरीके से याद रखा था कि जो पी से है पेनरोज, पेनरोज को मिला है, जी से एक गेस को मिला है और एक गैजल को मिला है। तो ये हो गया फिजिक्स का। और मेडिसिन का आपने याद रखना है अल्टर है और चार्ल्स है और हॉक्सटन है, और इसी के साथ हाँ ये है फिजियोलॉजी में मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड बाई पीएम मोदी टू हेल्प स्मॉल एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको हेल्प करने के लिए। फिर से देखिए कीवर्ड आ गया, रेजोल्यूशन ऑफ ग्रेवेंसीज, जो ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, एंड कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन द पोर्टल। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है एमएसएमई के लिए? गरुड़ है, ऑप्शन बी होप है, ऑप्शन सी चैंपियन है, ऑप्शन डी युक्ति है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो चैंपियन पोर्ट है ये किसके लिए लॉन्च करा है? एमएसएमई के लिए, जो ग्रीवियंस रेडरेसल मैकेनिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल पीस प्राइज 2020 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू, जो नोबल पीस प्राइज है वो किसे दिया गया है? इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, एबी अहमद अली, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या जीन मैनुअल सेंटोस। तो जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसे ये नोबल पीस प्राइज मिला है, टू फाइट अगेंस्ट हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हंगर को खत्म करने की बात करता है? ऑप्शन दे देता हूँ मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 या 2। आपने बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ध्यान दीजिएगा नेशनल वुमेंस डे की बात कर रहे हैं, 8th of March, 13th of Feb या 24th of March या 22nd of March। तो जो नेशनल वुमेंस डे है वो आपका जो सरोजनी नायडू जी का बर्थडे आता है 13th Feb को, तब मनाया जाता है। और 8th March को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी थीम बताई थी, तो आपने कमेंट सेक्शन में इसकी थीम बतानी है, इंटरनेशनल वुमेंस डे की आपको क्या बतानी है, थीम बतानी है। और 24 मार्च को मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे क्वेश्चन पूछा है लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, जो टीवी डे है वो मनाया जाता है आपका 24th of March को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रिसेंटली जो दस्तलिक मिलिट्री एक्साइज हेल्ड इन रानीखेत उत्तराखंड, विच टू कंट्रीज मिलिट्री पार्टिसिपेट इन इट, जो आपकी दस्तलिक सेकेंड एडिशन 2 है मिलिट्री एक्साइज हुई, वो किस किस कंट्री में के बीच हुई अभी, और कहाँ हुई? उत्तराखंड में हुई, रानीखेत में हुई, इंडिया और फ्रांस में हुई, इंडिया रशिया में हुई, इंडिया उज्बेकिस्तान में हुई, या इंडिया और यूके के बीच में होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जो इंडिया है और उज्बेकिस्तान है उसके बीच में ये दस्तलिक एक्साइज होती है। और अभी ये भी पूछ सकते हैं कहाँ हुई, तो उत्तराखंड में हुई। और इंडिया आपकी रशिया की बात करें, इंडिया फ्रांस की बात करें, इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में कौन सी एक्साइज होती है? वरुणा। और इंदिरा होती है आपकी इंडिया और रशिया के बीच में। और इंडिया और यूके की अगर मिलिट्री एक्साइज की बात करें तो अजेया वॉरियर, अजेया वॉरियर एक्साइज है। और इसकी एक आपकी जो डेजर्ट नाइट है,
डेजर्ट नाइट भी आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्साइज है, तो एक्साइज में आपने एक बार गो थ्रू हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन मार्क वन ए रिसेंटली इंडक्टेड इन इंडिया इज, जो अर्जुन मार्क वन है अभी अभी जो इंडिया की नेवी में शामिल हुआ है, वो क्या है, मिसाइल है या पिस्टल है, मतलब मशीन गन है, या टैंक है, या शिप है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो ये टैंक है अर्जुन मार्क वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 फॉलोइंग ए पब्लिक वोट? तो BBC जो न्यूज़ चैनल है उसके ने अवार्ड निकाला है इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, तो ये किसे मिला है अभी? दुते चंद को मिला है, मनु भाकर को मिला है, विनेश फोगाट को मिला है, या कुनारी जो कुनेरू हम्पी है उसको मिला है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जो कुनेरू है हम्पी है इनको मिला है। अब सवाल आता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपकी चेस से संबंधित है, और 2019 में उन्होंने वर्ल्ड जो रैपिड चेस चैंपियंस हैं इसमें भी इन्होंने नंबर वन जो खिताब था वो हासिल करा था। हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट 7000 रन्स इन वुमेन्स ODI क्रिकेट, जो वुमेन्स क्रिकेट है उसमें आपका जो फर्स्ट 7000 रन कंप्लीट करने का खिताब किसे मिला है? शेफाली को मिला है, लॉरा मर्श को मिला है, मिताली राज को मिला है, या स्मृति मधाना है इनको मिला है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जो मिताली राज हैं उनको ये अवार्ड मिला है, अवार्ड नहीं मिला है, इन्होंने अभी 7000 जो रन हैं वो क्रिकेट में कंप्लीट करे हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर नेम Fugatu हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री, जो Fugatu कंप्यूटर है पावरफुल कंप्यूटर किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, साउथ कोरिया, जापान, USA या फ्रांस? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो जापान है उसने ये Fugatu कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर लॉन्च करा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, जो यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली है 2021 की, उसमें आपको रैंक बताना है इंडिया का, 116 है, 139 है, 86 है, 131 है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो इंडिया का रैंक कितना है, 139 है, और ये जो ऑप्शन दिए हैं मैंने इसमें आपने बताना है कि 116 क्या है आपका जो ह्यूमन कैपिटल, हाँ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसमें 116 है, 86 किस में है, और 131 किस में है? मैंने एक आप लिए क्वेश्चन है कि 86 हमारा रैंक किस में है, 131 किस में है, आपका क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या जो करप्शन इंडेक्स है उसमें, इन दोनों से हमें बताना है कौन कौन किसका रैंक है इंडिया का, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स इज गिवन टू, जो रामानुज प्राइज है ये किसके लिए दिया जाता है, पहले तो सवाल होता है जो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। अब सवाल आता है ये किसे मिला, डॉक्टर कैरोलिना अराउजे, रंजीत दिसाले, या सेल्जा कैनी, या आपकी डगलस स्टुअर्ट? तो जो कैरोलिना अराउजे है उसे आपका मैथमेटिक्स में ये अवार्ड मिला है। अब रंजीत दिसाले इसको इनको कौन सा अवार्ड मिला, तो ये हैं आपके ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है, और जो डगलस स्टुअर्ट हैं इनको भी बुकर प्राइज, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन में मिला है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन इन द
विच फील्ड, जो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ है, ये किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन ए एनवायरनमेंट में दिया जाता है, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ऑप्शन सी साइंस में दिया जाता है, ऑप्शन डी लिटरेचर में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी, जो 14 साइंटिस्ट हैं उन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिया गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।